हम निकल चुके हैं अपने सफर पे और काफी देर पहले से निकले हुए हैं, पर गाना सुनते सुनते मस्ती करते करते पता ही नहीं चला। अब हमें पहुंचने में कितने टाइम है? 22 मिनट्स है। और देख सकते हो हमारे ब्लॉग में आज कौन आया है, मलिका कपूर। तो गाइस हम जहाँ जा रहे हैं उसकी डिटेल्स आपको मलिका ही शेयर करेगी कि क्या है कैसे है, तो एक बार हम पहुंच जाए आपको भी दिखाते हैं। वैसे क्या है मलिका, हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग वर्कशॉप पे जा रहे हैं जो वोमेनिया के लिए, मेरे पेज पे जाके दिख जाएगा वैसे स्टोरी। ठीक है, जो मैम ने कहा वो जाके आप देखना। ठीक है, मलिका कपूर इंस्टा आईडी है, वहाँ जाके आप चेक करना। ठीक है, बाकी हम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ हमारा बहुत अच्छे से स्वागत होगा, खाना पीना भी बहुत अच्छा होने वाला है, मीटिंग है, तो वहाँ चलते हैं और चल के आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या होता है। बाकी डिटेल बाय डिटेल मैं आपको समझा भी दूंगी। ठीक है, तो चलिए अभी रास्ता दिखाते हैं, वो कितना प्यारा लग रहा है। अभी हमने नोएडा में एंट्री कर ली है ना, कर लिया ना नोएडा में। सीधा चला, पता चला नीचे हम पड़े हो। कोई भी इजीली यहाँ से किडनैप कर सकता है। यस, इसे निकलते ही दुबई पहुंच गए हैं गाइस, और यहाँ भारी वर्षा के कारण हमारी गाड़ी हवा में उड़ रही है। भारी वर्षा, थोड़ा वेट कम करो। गाइस दुबई नहीं है, नोएडा में है। ओह माय गॉड, अंकल रॉन्ग एंट्री कर रहे हो आप। ओ भाई क्या बिल्डिंग है मलिका, तू बिल्डिंग पे ध्यान मत दियो वरना हम ऊपर जाके बिल्डिंग निकालेंगे फिर। वो तो दुबई था। हाँ, वो दुबई था, अभी हम फिर से इंडिया में आ गए दिल्ली में, नोएडा NCR में। ओ, हम लास्ट में यही तो खो गए थे। यही खो गए थे। हाँ, मैंने गलत मैप बता दिया था। ये गाइस अमिताभ पार्क है नोएडा में, सेक्टर 16 में, और हम यहाँ खो गए थे। पर हम वो पीछे की साइड हम जाएंगे ना, तो उधर अमिताभ पार्क है जहाँ आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी। ग्रेटर नोएडा DND फ्लाईवे, ये वेयर क्यों होता है भाई, फ्लाईओवर में बोलते हो हमेशा, फ्लाईवे। ओ माय गॉड, आज मैंने देखा सिर्फ फ्लाईवे कहते हैं। गाइस कौन मेरी तरह इंटेलिजेंट है तरह बताना, कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगाओ। और पहुंचने में और कितना टाइम है? 13 मिनट्स बस। और ये देखो यहाँ कुछ अंकल लोग बैठे हैं। 2 बजे 1 बजे की जब मीटिंग, 2 बज रहे हैं गाइस। हमें 1 बजे बुलाया गया था और हम 2 बजे पहुंच रहे हैं। ये मैडम लेट हो गई थी, मैं 10 मिनट से इनका वेट कर रही थी, और ये लेट आई थी फिल्म से। इतनी सच, मैं लेट आई थी, फिर भी मैं 10 मिनट वेट की है, तो तुझे टाइम पे आ जाना चाहिए था ना, अगर मैं लेट थी तो। तुझे वेट करना चाहिए था, है कि नहीं गाइस? जो लेट होता है वो वेट नहीं करता है। गाइस मैं आपको अपना आई मेकअप दिखाती हूँ, देखो ब्लू टॉप के साथ मैंने थोड़ा सा मैच करने की कोशिश की है, इसी चक्कर में मैं लेट आई हूँ। तेरा बताओ, फोन खोलू? बता दो तेरा। नहीं, बताओ क्या हो गया था गाड़ी में बैठते ही? सब बढ़िया, पहुंच के यार मेरे बाल झड़ रहे हैं क्या, तकली ना हो जाऊं मैं आगे से? तकली चुड़ैल गंजी चुड़ैल। हाँ, एक बार प्रैंक शूट किया था ना नाचने वाली चुड़ैल, अब लग रहा है गंजी चुड़ैल बन के घूमना पड़ेगा। हम फिल्म सिटी वाली रोड पे हैं, नोएडा फिल्म सिटी। कौन कौन जानता है ये जगह नोएडा में फिल्म सिटी, और कौन कौन यहाँ से है जरूर बताना। और ये देखो मेरी यूनिकॉर्न वाली चैन कैसी लग रही है, बढ़िया ना? थैंक यू। मैंने तारीफ तो करी नहीं थी। आप करोगी ना मैम? नहीं करोगी? मेरे सांप वाली सांप के बहाने क्या दिखा रही है भाई, गाइस अश्लील है। मैं सांप दिखा रही हूँ। देखो गाइस हम फिर से नोएडा में एंट्री कर चुके हैं, सॉरी नोएडा नहीं, क्या दुबई में। ये तो दुबई होके आई है, तो इसको पता है कि कैसे कैसे है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे से मतलब है कि कैसे कैसे बिल्डिंग है। हमारी बातों को गलत कदम ना ले जाए, कदम की तरफ ना ले जाए। और ये देखो किसी के गाड़ी नंबर पे ध्यान मत देना, इस बिल्डिंग पे ध्यान दो, ठीक है? हमारा इंडिया कहीं दुबई से कम है का? रोड में ये नेल पेंट लगा रही है, देखो रेड लाइट नहीं। ट्रैफिक पुलिस
संपर्क करें मलिका कपूर से। अरे वो देख, वो तो चला गया तो हम भी चलते हैं ना भाई, दूसरों के भरोसे चलती है ये लड़की। अरे ये जगह को भी इनवाइट आया था। अच्छा कौन है यार, नेल पेंट लगाना है यार। गेयर के पास इसने नेल पेंट रखा हुआ है और बीच रोड में खड़ी होकर नेल पेंट लगा दी थी जब तक रेड लाइट था। ज्यादा नहीं देख रही है मतलब। हाँ, मेरी वही 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 ढूंढ रही हूँ। क्या नाम था? नमक सॉल्ट 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 तो हिंदी में नमक है ना, पूछ लू। भैया नमक कहाँ है इधर? इस पे देख, हमें अंदर जाना। तो मेरे नेल पेंट मत खराब कर। एक पॉइंट भी खराब नहीं किया मैंने। करा है। ये देखो गाइस हम वैशाली में। किधर है यार, हमें अंदर जाना। चल अभी और सीधा चल, बता दियो फिर। बता इतना भरोसा नहीं है, नहीं बताना होता। सीधा चल, सीधा चल और सीधा चल। मैस है यार, मैं तो बहुत बड़ी मैस हूँ। चलो 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 चलो। हाँ दिख गया, वो रहा, देख नहीं रही बाहर। पहले तू कह रही है मैप में देखो, फिर तू कह रही है लड़की को सब कुछ तो हाथ में मैं करके दे रही हूँ। उसको गाने भी लगा के दो। काट दू मैप फिर, काट फिर यार। गाड़ी ठंडी जगह पे खड़ी करेंगे। हाँ यार वो बल जाएंगे, वो सही तो पागल हो जाएंगे हम शाम तक। कहा है मुझे तो दिखा नहीं। ऊपर है अभी तो देखा मैंने, अच्छा चला गया क्या? यार तू खो देती है। नहीं यही दिखा रहा है खत्म में। आगे से राइट बोल रहा है, आगे से राइट थोड़ा सा ही बस। रुक जा, तूने मुझे घुमा दिया। तूने अभी तो चेक किया था, मैं दूर से तो देख रहा था। बात आगे खत्म हो गया। एक बच्चे से तो क्या क्या उम्मीद कर रही है? कहाँ है बच्चा, कहाँ है बच्चा? मैं बच्चा कहाँ है? हाँ। जगह तो ढूंढने दो, मैंने लगाना है मैं। अब तुम मेरे को सॉल्ट कैफे ढूंढ के बताना। भैया इधर आओ। सॉल्ट कैफे का है ये ऊपर वाला जो स्क्रीन चल रही है। अच्छा देखो दूर से नहीं दिख रहा, अंदर जगह है। अंदर ना मिलेगी यही लगा, ये गाड़ी हटवा देते हैं। नहीं भैया धूप में नहीं लगाना हमें, उबल जाएगी गाड़ी। धूप में नहीं लगाएगी गाड़ी, उबल जाएगी। कितनी देर लगेगा पता नहीं ना, शाम तक रहना है। शीशा हल्का नीचे करके छोड़ देना, हवा निकलती रहेगी। कोई अंदर जगह नहीं है क्या? और थोड़ी कोई अंदर ऊपर ऊपर तो कहीं तो होनी चाहिए ना। ये गाड़ी आधा के निकलवा के लगवा दे। चलो लगा कर लेते हैं, एसी चला के वो कर देंगे ना, दो घंटे तक छोड़ दे फिर बैठेंगे। गाड़ी ऑन छोड़ के एसी चला के छोड़ जाओ। ये दीदी घर कह रही बेवकूफ लड़की है, मैं तेरा दिमाग देख रही हूँ। मैं कह रही हूँ जब आएंगे ना वापसी तब इसको 10 मिनट के लिए चलाएंगे। अच्छा एहसान कर रही है तब चलाएंगे। गैस वो वाला है फर्स्ट फ्लोर पे, वो दिख रहा है स्क्रीन जो चल रही है वो ही। ओ भाई हमें धूप में बैठाने वाले क्या? अरे इंडोर है, धूप में बैठाएंगे पर तुझे तो। क्यों मेरे से कैसी दुश्मनी? चलो गैस पार्किंग में लगा के फिर ऊपर पहुंच के दिखाते हैं आपको भाई। ऊपर नहीं मतलब वहाँ लोकेशन पे, ज्यादा ऊपर नहीं मैडम, सीधा करके बैक कर। सो गाइस मैं लोकेशन पे पहुंच चुकी हूँ और लोकेशन देखो कितना प्यारा है, मतलब इतना अच्छा हवा आ रहा है और इंडोर भी है आउटडोर भी है, तो ऐसा नहीं है कि हमें धूप में बैठना है। नहीं इंडोर भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहाँ पर हमने लंच वंच किया था, बाकी अभी हम लोग बाहर हैं, बाहर की एक्टिविटी देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मलिका बात कर रही है, जिन्होंने हमें बुलाया था उनसे बात कर रही है कि आगे क्या प्रोसेस है, हमें क्या काम करना है, वो सारी चीज़ें वो समझ रही है। तब तक उन्होंने कह दिया आप लोग वहाँ पर जो भी चीज़ें वो एंजॉय करो, तब तक मैं आती हूँ फिर आगे का प्रोसेस करते हैं जो भी हमारा काम था उसके लिए। तो कहती है मलिका, कहती है चल तब तक हम अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब अपने अपने फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। फिर यहाँ आकर देखा तो इतना क्यूट क्यूट सा ना, ये हैंडमेड मतलब आपको बिठा के और आपसे खुद बनवाते हैं ये, और इतना क्यूट था ना, इतना प्यारा सा था। मलिका ने कहा कि मैं बनाती हूँ, तुम्हें वीडियो बना। मैंने कहा ठीक है तू जा, मुझे नहीं बनवाना था, मेरे नेल्स ख़राब हो जाते इसलिए उसको मैंने भेज दिया कि तू चली जा।
फिर मैंने मलिका की बहुत प्यारी सी वीडियो बनाई और इसको देख के ना मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी बनाऊं, पर मैंने सोचा नहीं मैं बाद में बनाऊंगी। पर ऐसा हुआ कि ये लोग उठ के चले गए, हम जब तक लंच करने गए ना फिर उन्होंने अपना पैकअप कर लिया, पर मलिका की वीडियो बन गई। मलिका ने मुझसे प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम हम जब भी जाएंगे तो ये मेरी वीडियो बनवाएगी और मैं भी अपने लिए क्यूट सा हार्ट बना के लेके आऊंगी। सेकंड बार में अच्छा बन गया ना, सूख जाएगा तब लेके जाइयो। अभी हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने, दिल तो है नहीं, किसी से दिल भर लो, अपने अपने हाथों से अपना दिल बना लो, है ना। सही बात है। अब गोलगप्पे खाने, मैंने वो कुत्ते के लिए बर्तन बनाया था वैसे, पर वो तो अभी सूखा नहीं, नकली बर्तन से काम चला रहे। खट्टा पानी, तीखा पानी, मीठा पानी, हींग पानी। सो गाइज, हमें जहाँ इनवाइट किया है वहाँ पर हमारा मेन्यू इतना ही है जो आपको दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं, और वेजिटेरियन में और नॉन वेज में सिर्फ सीख कबाब है ऑर्डर कर लेते हैं। मलिका बेडरूम है क्या? हाँ। नहीं, वॉशरूम है। सो गाइज, यहाँ पर हमारा आ चुका है खाना और इतना ज़्यादा अच्छा था ना, मतलब बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी था। वहाँ का एक एक डिश बहुत ज़्यादा टेस्टी था, हमने बहुत इंजॉय किया खाना। जब खाया ना हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा खाना, और हमसे बच भी गया क्योंकि हम दोनों ही थे, मैं और मलिका थे, और हमसे इतना सारा खाना खाया भी नहीं गया। नॉन वेज मैंने मंगाया था सिर्फ ये चिकन सीख कबाब, ठीक है, इसके अलावा नॉनवेज कुछ नहीं था, पूरा वेजिटेरियन था क्योंकि मलिका वेज खाती है और मैं नॉनवेज खा लेती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा ही मंगाया था, पर मुझसे भी सारा खाया नहीं गया। मुश्किल से मैंने 2 पीस खाया और बाकी मलिका ने जो वेज में मंगवाया था वो खाया था। सो गाइस, खाना खाने के बाद हम चले गए अपने काम पे, जिस काम के लिए हमें बुलाया गया था। तो हमें ना इनकी फ़ोटो वीडियोस लेके अपने स्टोरी पे लगाना होता है, और इनका जो भी प्रोडक्ट होता है उनको मेंशन करना होता है। तो इन्होंने अभी स्टॉल लगा रखा था और इनका था कैंडल का, तो वही मलिका और मैं फ़ोटोज़ ले रहे थे और बाकी हम इनको स्टोरी पर मेंशन करते। दूसरा यहाँ पर कुर्तियों का भी स्टॉल लगा हुआ था, जिनमें से हमने अपने ऊपर लगा लगा के उसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करी, और फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद उनको मेंशन करना है। फिर यहाँ ज्वेलरी भी थी जो बहुत अच्छी अच्छी थी ज्वेलरीज, और बहुत अच्छा था, बाकी अच्छे रेंज भी थे, प्राइस भी बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई रेट था, बहुत अच्छा था। और मुझे कुर्तियाँ भी बहुत अच्छी लगी, बस यही है कि मेरे साइज़ में नहीं थी, बहुत ज़्यादा ओवर साइज़ था, जैसे मम्मी उम्मी के साइज़ के हैं, तो बहुत अच्छे थे। क्वालिटी भी बहुत प्यारी थी, आप लोग चेक कर सकते हो। वैसे इनके इंस्टा आईडी पे मलिका ने मेंशन किया है, तो मैं आपको वो आईडी भी दिखा दूँगी, अगर आपको किसी को भी परचेस करना होगा तो कर लेना। ओवर साइज में थे और बहुत ही क्यूट क्यूट सा कलेक्शन था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। मलिका का बनाया हुआ हार्ट हमने ले लिया, और ये भी
निकलने की तैयारी हो गई गाइस। हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ और बहुत ज्यादा मजा आया। कुछ कुछ जानकारियां भी मिली हैं जो कास्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाती पर नहीं कर सकती क्योंकि किसी के लाइफ से जुड़ी हुई है ना मलिका। और बता तुझे कैसा लगा जानकर? अच्छा था ना, बढ़िया था। रोज पूछे अपने बारे में, सही था। गाड़ी पीछे जा रही है। तो गाइज अभी हमारे गाड़ी का पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है और हमें पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा है। हमने लोकेशन लगाया था और बिल्कुल हमारे साइड में पेट्रोल पंप था पर जगह नहीं थी जाने की और हम निकल आए आगे। अब देखो कहाँ मिलते कैसे और हम पेट्रोल डलवा के पटाखे, वरना हम दोनों अकेली बेचारी लड़कियाँ धक्का कैसे मारेंगी। मेरे यहाँ कोई भी नहीं रहता यार, मेरा नोएडा में कोई नहीं रहता। तो गाइस बस यही दुआ है कि हमें पेट्रोल पंप मिल जाए और हम पहुंच जाए, है ना। फटाफट चलते हैं मलिका, वो लगा लेना। आप कितना दूर दिखा रहा है? 1 घंटा 9 मिनट। नहीं भाई, पेट्रोल पंप ऐसे नहीं दिखा रहा ना। मैं चेक कर लेना नियरेस्ट टैंकर। मैं चेक करती हूँ पहले पेट्रोल डलवा लेते फिर बात करते, नहीं तो फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। फाइनली हमें पेट्रोल पंप मिल गया है और ये अंकल बस लेके निकल जाए फिर हम पेट्रोल डलवा ले। और बिल्कुल बगल में ही था जहाँ मैं ब्लॉगिंग कर रही थी ना, वहीं था। बहुत प्यारी लगती है जगह। गाइस हम आ चुके हैं मनाली। पहले हम दुबई थे, अब मनाली है। एक लंदन। गाइस हम लंदन आ चुके हैं 1 सेकंड के गैप में ही। कितनी प्यारी लग रही है यार ये वाली। नेक्स्ट भी कितनी, ये वाली तो बहुत प्यारी लग रही है। एल बना हुआ है बिल्कुल। लव यू जिंदगी। तो सामने ही देखियो अंकल आंटी को उड़ा मत। चक्की पीसेगी ना यार, कितना अच्छा लगता। बारिश आता ऐसे ऐसे वाइपर चलते और गाने बजते रोमांटिक। इमरान हाशिम के क्या जा रही हूँ चलाने। इमरान हाशिम आ गए तिलक नगर और तिलक नगर का ये कूल स्कूप बहुत ज्यादा फेमस होगा, आपने बहुत सारे रील्स पे देखा होगा। तो एक बार तो मैंने ट्राई कर रखा है ना मलिका यहाँ का आइसक्रीम। अब मैं दूसरी बार आई हूँ और हम दोनों खाएंगे इस बार। पिछली बार मलिका ने नहीं खाया था। क्या मंगा रही है? वॉलनट ब्राउनी मंगवाई है। अभी मैंने ये ऑर्डर किया है। कूड़ा उठा लूँ।